नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 25 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 25 मार्च की करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में रहेंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा इसमें दोस्तों। ओनली MP करेंट अफेयर रहेगा। देखिए दोस्तों, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की भी PDF अवेलेबल है। और दिवस की बात करें दोस्तों हम, तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 12 मार्च को दांडी कूच दिवस मनाया जाता है, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और जंगलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश महिला उद्यमी संगठन यानी मावे द्वारा स्वीप 2022 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और इसका आयोजन दोस्तों कब से कब तक किया जाएगा? 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 23 मार्च 1998 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 23 मार्च 1998 को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। और ये अभी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों इसके गठन की? तो ये 24वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2022 में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1998 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। इसका बेसिस क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था। इसकी दोस्तों प्रकृति सांविधिक है। और इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये जो 5 सदस्य है ये अशासकीय होते हैं दोस्तों, और अशासकीय सदस्यों का चुनाव सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि आदि से चुना जाता है। अध्यक्ष को दोस्तों मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और आयोग को सिविल अदालत की शक्ति प्राप्त होती है। और इनकी पदावधि कितने वर्ष की होती है दोस्तों? 3 वर्ष की होती है। त्याग पत्र ये किसको दे सकते हैं? तो राज्य सरकार को देते हैं, ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल नहीं है तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों इनके अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकता है? तो ये राज्य सरकार हटा सकती है। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये है शोभा ओझा। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसका आधार राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। और दोस्तों इसकी प्रकृति सांविधिक है। ये किस मंत्रालय के अंडर में आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में आती है। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? जयंती पटनायक थी। और अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। और ये कौन सी अध्यक्ष दोस्तों? 9वीं अध्यक्ष है। तो ये क्वेश्चन MP पटवारी 2017 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2011 कब से प्रभावशील है? तो ये कब से प्रभावशील है दोस्तों? 23 मार्च 2011 से प्रभावशील है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे देश के पूर्व CJI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RC लोहाटी का निधन हो गया है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था हमारे मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुना डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये हमारे देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अभी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो ये है समन्ना। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों? तो वो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। RC लोहाटी, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? रमेश चंद्र लोहाटी जी, ठीक है। और इनका दोस्तों अभी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चल दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा,
ट्राइफेड के अध्यक्ष राम सिंह राठवा ने दोस्तों जैविक जनजातीय उत्पादों और दस्तकारी के सामानों की जीवंत प्रदर्शनी आदि बाजार का वर्चुअल शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया है दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और दोस्तों ये आदि बाजार कब से कब तक चलेगा? तो ये 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ बात करें हम ट्राइफेड की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1987 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों अभी? तो ये है राम सिंह राठवा, ठीक है। इसके चेयरमैन राम सिंह राठवा बन गया दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, तो इसको अपडेट नहीं किया है अभी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। और दोस्तों भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी और यह एक राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ट्राइफेड का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय है जो देश के विभिन्न स्थानों में स्थित है। ट्राइफेड का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों जनजातीय उत्पादों जैसे धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग, जिन पर जनजातीय लोग अपनी आय के एक बड़े भाग हेतु बहुत अधिक निर्भर हैं, तो इसके विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। ट्राइफेड जनजातियों को अपने उत्पाद बेचने में एक समन्वयक और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है और यह मुख्यतः दो कार्यों का दायित्व लेता है, अर्थात लघु वनोत्पाद विकास और खुदरा विपणन और विकास। अभी हाल ही में दोस्तों 21 मार्च 2022 को ट्राइफेड के अध्यक्ष राम सिंह राठवा ने भोपाल के भोपाल हाट में जैविक जनजातीय उत्पादों और दस्तकारी के सामानों की जीवंत प्रदर्शनी आदि बाजार का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है और यह प्रदर्शनी 21 मार्च से 30 मार्च तक चलेगी और इसमें देश के 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 से अधिक स्टॉल होंगे दोस्तों। जनजातीय जीवन के मूल लोकाचार का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देश के 15 राज्यों के जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषणों की प्रदर्शनी सह बिक्री होती है। जनजातीय कला और शिल्प की प्रदर्शनी आदि बाजार का आयोजन जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और ये आदि बाजार वंचित जनजातीय लोगों की आजीविका में सुधार के लिए ट्राइफेड के संगठित प्रयासों का एक हिस्सा है जो पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और दोस्तों आदि बाजार में ट्राइब्स इंडिया और जनजातीय कारीगरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पाद जैसे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियाँ, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के गर्म ऊनी कपड़े, तमिलनाडु के जनजातीय लोगों द्वारा खरीदी गई प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली विभिन्न जड़ी बूटियां और मसाले, उत्तर पूर्वी भारत के विशेष शहद और जैविक उत्पाद, प्रतिष्ठित रूडा कढ़ाई से लेकर असम के मेगा रेशम और नागालैंड की काली मिट्टी के बर्तन तक उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी है। तो इनके द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के BLC घटक में कितने हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं अभी? तो ये किए गए 1,15,564 आवास। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1,15,564 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों हाल ही में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक में 1,15,564 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि इन आवासों के लिए केंद्र और राज्य के अंश के रूप में आवास बनाने हेतु हितग्राहियों के खाते में 2,890 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए हितग्राहियों को 2,50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है और 197 नगरीय निकायों के हितग्राहियों के लिए यह आवास स्वीकृत किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 17 मार्च को न्यू दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में खुलेगा दोस्तों? तो ये खुलेगा हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरदा डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में खुलेगा? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में।
और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुरैना डिस्ट्रिक्ट में और तीसरा खुल रहा है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने गुरुवार को निमाड़ मालवा नर्मदा घाटी क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक जिलों के किसानों को उन्नत तकनीक से लैस करने के लिए इसराइल दूतावास के कृषि प्रतिनिधियों से वर्चुअल मीटिंग की और मीटिंग में तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में माइक्रो इरिगेशन और हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा में खोले जाने की कार्यवाही की जाएगी। मीटिंग में इसराइल प्रोजेक्ट प्रमुख श्री एयर एसल, समन्वयक सुश्री अनुमेह भारद्वाज, वैज्ञानिक श्री ब्रह्मदेव, ACS हॉर्टिकल्चर श्री JN कंसोर्टिया मौजूद थे और मीटिंग में इसराइल तकनीक हस्तांतरण के लिए अधिकृत कंपनी मासो के प्रतिनिधियों ने कहा है कि शीघ्र ही हरदा एवं आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद हरदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। और मध्य प्रदेश में इसराइल सहयोग से उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए छिंदवाड़ा और मुरैना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है और तीसरा सेंटर हरदा में खुल जाने से निमाड़ मालवा एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों, औषधीय फसलों और फूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और कृषकों को नवीन तकनीक की जानकारी मिलेगी जिससे कि फसल विविधता के साथ उत्पादक और गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 25 मार्च 2022 से भोपाल में आयोजित चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल 2022 का यह कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो यह चौथा संस्करण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चौथा संस्करण है दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है और आज इसके शुभारंभ में विशिष्ट अतिथि कौन होंगे दोस्तों? तो विवेक अग्निहोत्री और अक्षय कुमार होंगे, ठीक है। इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा दोस्तों? 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च, यानी 3 दिन चलेगा। तो भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 के शुभारंभ समारोह में प्रख्यात अभिनेता श्री अक्षय कुमार और सुप्रसिद्ध निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री। तो विवेक अग्निहोत्री अभी जो हाल ही में 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई थी तो उसके डायरेक्टर है और इनका जो जन्म है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे दोस्तों और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय बीसनखेड़ी के नवीन परिसर में शुक्रवार यानी आज 25 मार्च 2022 को शाम 6 बजे 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाएगा। चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल का यह चौथा संस्करण है दोस्तों। प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर यह आयोजन किया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, ठीक है, कब से हुई थी? 2016 से हुई थी। तो इसका पहला संस्करण कहां पर हुआ था दोस्तों? 2016 में इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद 2018 में दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका दूसरा संस्करण किया गया था। उसके बाद 2020 में दोस्तों अहमदाबाद के कर्णावती में इसका तीसरा संस्करण किया गया था और ये भोपाल में चौथा संस्करण है 2022 में। और दोस्तों भारतीय चित्र साधना का उद्देश्य यह है कि भारत में बनने वाली फिल्में न केवल समाज का दर्पण बने बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य भी करें। सिनेमा के माध्यम से हमारी सोच और व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसलिए हमारा दायित्व है कि ऐसी फिल्में प्रदर्शित हो जो समाज के लिए हितकारी हो। फिल्म फेस्टिवल का लक्ष्य युवाओं के बीच फिल्म निर्माण की गति और दिशा देना है। फेस्टिवल के लिए 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थी दोस्तों। स्क्रीनिंग कमेटी ने 120 फिल्में प्रदर्शन के लिए चुनी है। 4 अलग अलग स्तरों पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जिनमें शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और कैंपस फिल्में शामिल है और इन फिल्मों के निर्माता एवं निर्देशक भी बड़ी संख्या में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने आ रहे हैं। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये MPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों और ये जो गठन है कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 फरवरी 1994। और दोस्तों यहाँ पर हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करें तो इसका जो प्रावधान है, देखिए सबसे पहले तो एक संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों और इसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 243K में है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों प्रीवियस ईयर MPPSC में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और इसके जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो वो कौन थे दोस्तों? श्री NB लोहानी थे और अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये है श्री बसंत प्रताप सिंह है, ठीक है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 243 ट राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। एक संवैधानिक निकाय है और हटाने की प्रक्रिया कैसे दोस्तों इनकी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है और आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते।
राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है और महिलाओं को नगरीय निकाय एवं पंचायतों में ठीक है 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये भी मध्य प्रदेश है। आज के लिए आपको क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था, काकनामम, वित्रवती, बेसन नगरी या दसपुर। तो दोस्तों ये भी एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर थोड़ा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।